रिकॉर्डिंग ऑन। ओम कुतः त्वं इन्द्र माहिनः सन् एको यासि सत्पते किं ते इत्था सम्प्रच्छसे समराणा शुभानैः वोचेस्तत्नो हरिवो यत्ते अस्मे महानिन्द्रो य ओजसा कदाचन स्थरीरसि कदाचन प्रयुच्छसि। मंत्रार्थ, सत्पते हे सत्य के अधिपति पालक रक्षक इंद्र हे परम ऐश्वर्यवान, कुतः कहाँ त्वम तुम माहिनः महान एको एक सन ही यासी प्राप्त होते हो ते तुम्हारा इत्था इस प्रकार किम क्या है। समराणः सम्यक जाने वाले साथ चलने वाले सुबह नहीं है शुभ द्वारा सम सम्यक पूछते हो तत् वह नो हम को हरिवो हर्षील प्रेरक ने यत जो ते तुम्हारे लिए अस्मे हमारे लिए वो चेहे बोलो कहो। यो जो इंद्रो परमेश्वरवान ओजसा ओजस्वी महान महान है कदाचन कभी स्त्री रसी आच्छादित होते हो कदाचन कभी प्रयुच्छसी असावधान हो। भावार्थ, महान परम ऐश्वर्यवान परमात्मा सतपति है, सत्य का पालक है, रक्षक है। वह एकाकी है अर्थात वह एक ही है। वह साथ चलने वाला वालों का सुख पूछता है। साथ चलने का एक भाव तो परमेश्वर परमात्मा के साथ चलना तो है ही, समाज में भी सतपति के सहगामी उपासकों अर्थात सत्य पथ पर चलने वालों वाले लोगों के साथ चलना भी है। कदाचन स्तरी रसी, कदाचन प्रयुच्छसी का शाब्दिक अर्थ हुआ कि कभी आच्छादित हो कभी असावधान हो। भावार्थ यह है कि कभी भी वह आच्छादित या असावधान नहीं हो सकता है। धातुवादी निरूप, सत्पते सत अव्यय अस होना, पत ऐश्वर्य होना, रक्षा करना जाना, माहिनः मह महत्व देना महत्व होना सम्मान करना सत्कार करना, इंद्र इंद्र परमेश्वरीय होना। कुतः अव्यय त्वम सर्वनाम एको संख्या सन अव्यय यासी या जाना ते सर्वनाम इत्था अव्यय किम सर्वनाम समराणः सम उपसर्ग री जाना शब्द करना महत्व दिखाना हिंसा करना शुभानै ही शुभ दीप्ति प्रकाश होना शोभा पाना मंगल होना बोलना सम उस उपसर्ग प्रच्छसे प्रिस प्रच्छ पूछना प्रश्न करना तत् सर्वनाम नो सर्वनाम हरिवो रि हरण करना ले जाना यत् सर्वनाम ते सर्वनाम अस्मे सर्वनाम वोचेहे वच बोलना कहना यो सर्वनाम इंद्रो इंद परमेश्वर होना ओजसा ओज शक्ति होना बढ़ना महान मह कदाचन सर्वनाम स्त्री रसी स्त्री विस्तार करना आच्छादन करना प्रयुच्छसी प्र उपसर्ग युच्छ प्रमाद करना असावधान होना। ओम खम्रम। वेद अध्याय 33 मंत्र 27 ओम कुतः त्वं इंद्र माहिना सन एको यासि सत्पते किं ते इत्था सम्प्रच्छसे समराणः शुभानै वोचे तत्नो हरिवो यत्ते अस्मे महान इंद्रो या ओजसा कदाच
कदाचन स्तरी रसी कदाचन प्रयोच्छसी उताह कहां हैं कहां से त्वं तुम इंद्र हे इंद्र माहिना सन माहिना महान सन ही हो अरे हे इंद्र माहिना सन तुम महान हो एको यासी एक ही एको एक यासी या जाना जानना प्राप्त होना का भाव गत्यर्थक भागवत में है ये हम जानते हैं एको यासी एक ही प्राप्त एक ही जाते हो कह सकते हैं एक ही चलते हो एकाकी चलते हो कह सकते हैं इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर के समकक्ष कौन हो सकता है स्वाभाविक है वह एकमात्र है अनादि अनंत सर्वव्यापी परमेश्वर है तो उसे तो एकाकी चलना है इस सृष्टि का सृजन पालन उसे एकाकी करना है वह स्वतः एकाकी ही सक्षम है समर्थ है कह रहे हैं जब हम इस दिशा में खोज करते हैं विचार करते हैं तो यही पाते हैं कि वह एक ही है वह एक ही प्राप्त होता है अनेक रूपों में नहीं वह अनेक नहीं है वह एक ही प्राप्त होता है अनेक प्रकार से अनेक रूपों में सृष्टि में व्यक्त होता है परंतु मूलतः परमेश्वर तो एक ही है सत्पते हे सत्य के अधिपति किम ते था किम क्या ते तुम्हारा इच्छा इस प्रकार इस मंत्र को इस प्रश्न की शैली को समझे बिना नहीं समझा जा सकता हम लोग भी बोलचाल में कहते हैं कि भैया तुम्हारे अलावा और कौन है भाई ऐसा और कौन है इसका अर्थ होता है और कोई नहीं भैया ये और कौन कर सकता है अर्थात कोई और नहीं कर सकता इस पूरे मंत्र में इसी शैली में बात कही गई है कुता तो इंद्र माहिना सन अब वो इंद्र परमेश्वर अपने आप में महान है और कौन हो सकता है एको या सत्पते किम थे था तुम एक ही हे सत्य के अधिपति तुम एक ही प्राप्त होते हो इस प्रकार और कौन हो सकता है कोई नहीं संप्रक्ष से सम्यक रूपेण पूछते हो समराणा सम उपसर्ग रराणा रराणा को री गतो धातु से भी कह सकते हैं सम्यक गति करने वाले समराणा पद इसमें हाँ सम उपसर्ग लेंगे तो अराणा होगा इसको समझें सम उपसर्ग अलग होगा तो सम उपसर्ग में मा हलंत होगा अर्थात अजंत अस्वर होगा तो मा का स्वर आ आएगा तो अराणा शेष होगा अराणा में री गत्यर्थक धातु ही होगी सम्यक रूपेण गति करने वाले हो शुभानय शुभों के साथ जो शुभ है शुभान है उनके साथ तृतीया बहुवचन है ओचे है बाड़ी वच बोलना तत्व है नो हमारे लिए हरि वो हरणशील जो हमें ले जाते हैं हमारे दुख कष्ट का हरण करते हैं वे हरणशील हरिवो बहुवचन में आया है परमेश्वर के लिए नहीं है
स्वाभाविक है ये परमेश्वर के उपासक सज्जन देवजनों के लिए है जो हमें सन्मार्ग पर ले जाएं, हमारे दुख कष्ट चिंता तनाव का हरण करें, उन्हें दूर करें। कैसे बोचे अपनी वाणी से सदुपदेश के द्वारा वेद विद्या प्रदान करें, उत्तम उपदेश करें, समस्याओं में उचित मार्गदर्शन करें, ऐसे ऊंचे ऐसे वाणियों से वे हमारे हरिगण जो हरि हैं, परमेश्वर को भी हरि से संबोधित किया जाता है, जो दुखों का हरण करता है उसे हम हरि कहते हैं, उस ईश्वर को हरि कहते हैं, या हरि वो बहुवचन में है। अतः समाज के सज्जन देवगण माने जाएंगे, यत ते अस्मै, यत जो ते तुम्हारे लिए, अस्मै ये या हमारे लिए, ये जो अपनी बाड़ियों से तुम्हारे लिए हमारे दुख कष्ट को हरण करते हैं, हमको सन्मार्ग पर ले जाते हैं, महान इंद्रो या हो जैसा महान इंद्रो, यहाँ इंद्र प्रथमा एक वचन कर्ता कारक में है, महान इंद्र वह महान परमेश्वर या ओजसा जो या जो ओजसा ओज के द्वारा ओज के साथ कदाचन कभी भी स्त्री रसी, स्त्री रसी का अर्थ आच्छादित होते, स्त्री रसी का अर्थ हुआ स्त्री धातु है, विस्तार करना आच्छादन का। देखिए विस्तार में भी उपसर्ग लगा है और शेष स्त्री ये धातु यही है, केवल उपसर्ग लग जाने से विस्तार स्पष्ट हो गया, आच्छादन करना भी इसका एक अर्थ है। तो कदाचन स्त्री रसी, तुम कभी ही शायद ही कभी कहते हैं कदाचन कभी विस्तार करो, आच्छादित करो या आच्छादित हो, वह सर्वव्यापी है, अनादि है, अनंत है, और क्या विस्तार करेगा, संपूर्ण सृष्टि में जो सर्वव्यापी है, संपूर्ण सृष्टि उसी से आच्छादित है, इसके अतिरिक्त उसे और कौन आच्छादित करेगा। कदाचन प्रयुच्छसी, प्रयुच्छसी को देखना है, प्रात उपसर्ग है, युच्छ धातु का अर्थ है प्रमाद करना, असावधान। कदाचन कभी प्रयुच्छसी, कभी ही प्रमाद करते हो, कभी असावधान होते हो, प्रमाद करना असावधान होना का अर्थ आप समझते हैं, तो वह परमेश्वर कभी प्रमाद नहीं करता, इतने विराट सृष्टि का संचालन अहर्निश अनादिकाल से अनंत काल तक चलता रहता है, एक व्यवस्था बना दी है, उससे सृष्टि का संचालन हो रहा है, इस सृष्टि के सृजन संचालन में वो कभी प्रमाद नहीं करता, कभी असावधान नहीं होता, कितनी सावधानी से इस सृष्टि का संचालन करता है, सृजन भी और संचालन भी। तो हमें इससे यही प्रेरणा ग्रहण करनी है कि हम सब उस परमेश्वर के उपासक भी कभी प्रमाद न करें, कभी असावधान न हो, जो भी हमारे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, विशेष रूप से कहा गया है स्वाध्याय अन्मा प्रमदः, स्वाध्याय से कभी प्रमाद न करें, नियमित रूप से हम वेद का स्वाध्याय करें, इसमें कभी प्रमाद न हो, कभी असावधान न हो, जीवन के और भी हमारे जो भी दायित्व कर्तव्य हैं, अपने परिवार के प्रति, स्वजनों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जो भी हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, हम उसको करने में कभी भी असावधान न हो, कभी प्रमाद न करें, आलस्य न करें, सदैव अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से अपने दायित्वों का निर्वाह करें, यही इस मंत्र की महत्वपूर्ण प्रेरणा हम ग्रहण करते हैं और अपनी चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।
जी किसी का प्रश्न हो तो कर लीजिए। प्रश्न नहीं है गुरु जी, एक मेरा सामान्य सा प्रश्न था कि राष्ट्र के प्रति छात्रों का क्या दायित्व है, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए जो वर्तमान परिस्थिति है, यूं कहें कि सामान्य परिस्थिति में विद्यार्थी का एक ही दायित्व है कि वो पूरा मन लगाकर विद्या का अध्ययन करे। इतना ही कह सकते हैं कि विद्या के अध्ययन में जो आपका पाठ्यक्रम है उस पर तो ध्यान देना ही है, मुख्य ध्यान देना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। परंतु जो भी स्थितियां हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था में वेद सम्मिलित नहीं है, तो हम इतना ही आग्रह निवेदन कर सकते हैं अपने विद्यार्थियों से, सभी छात्रों से, कि अपना जो पाठ्यक्रम है उस पर ध्यान देते हुए कुछ समय निकालकर वेद का स्वाध्याय भी करते रहें। छात्रों का अपने प्रति, परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति यही मुख्य दायित्व है ना? यदि व्यापक दृष्टि से आप राष्ट्र के प्रति दायित्व कहना चाहें तो हम कहेंगे राष्ट्र के प्रति आपका यही दायित्व है कि आप पूरा मन लगाकर स्वाध्याय करें, अच्छे से अच्छा विद्या अर्जित करें और समाज के लिए उपयोगी विद्वान नागरिक बने, उसके पश्चात राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे। इस समय स्वाध्याय विद्या की उपेक्षा करके, अध्ययन की उपेक्षा करके कथित रूप से राष्ट्रीय कार्यों में लग जाना ये राष्ट्रहित नहीं है। आप राष्ट्र को एक अच्छा नागरिक देने से वंचित कर रहे हैं। स्वयं को अच्छा नागरिक, एक सुयोग्य छात्र विद्वान बनाने के स्थान पर यदि अन्य गतिविधियों में अधिक समय लगाते हैं तो एक प्रकार से ये राष्ट्र के प्रति अन्याय कर रहे हैं। जो राष्ट्र को एक सुयोग्य विद्वान नागरिक मिल सकता था, आप राष्ट्र को उससे वंचित कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आपका राष्ट्र के प्रति सर्वप्रमुख दायित्व यही है कि अध्ययन में पूरा सामर्थ्य लगाएं, अच्छा से अच्छा स्वाध्याय करें, विद्या प्राप्त करें और उच्च स्तर के विद्वान नागरिक बने और उसके पश्चात विद्यार्थी जीवन के पश्चात जब आप कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब आप इस योग्य हो चुके हों, समर्थ हो चुके हों कि राष्ट्र की जो भी आवश्यकता आपको अनुभव हो उसमें अपना योगदान दे सके। अभी आप वेद का भी स्वाध्याय कर रहे हैं, अन्य विषयों का भी स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ें और पढ़ाएं, यही सबसे बड़ा दायित्व है वर्तमान परिस्थिति में, सामान्य स्थिति में। यह मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के समय की परिस्थिति अलग थी, लोग अपने विद्यालय का आदि छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े छात्र, वह आपन धर्म था, उस समय तो ठीक किया गया। इस समय आपको किसी भी आंदोलन में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मन लगाकर केवल स्वाध्याय करें, हमारा आपसे यही निवेदन है। ओम जी गुरु जी, कोई प्रश्न जी, और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा जैसा कोमल जी उसे समझें, कोई एक मंत्र की व्याख्या करना चाहे कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं या समापन कर सकते हैं। स्वामी जी, क्या ईश्वर को थकावट होती है? जी ईसा पुत्र जी कुछ कह रहे थे, हम उनकी बात सुन नहीं पाए, किसी कारण से स्पष्ट नहीं हुआ। स्वामी जी महाराज, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ईश्वर को अर्थात परमात्मा को थकावट होती है अपने काम करने पर?
क्या आप कहना चाहते हैं थकावट होती है? जी स्वामी जी, देखिए यह सब अनुभव हम जैसे प्राणियों को हो सकते हैं। निश्चित रूप से हम यही मानते हैं कि परमेश्वर इन सब अनुभवों से, सुख और दुख से, कष्ट पीड़ा थकावट से परे है, उसको ऐसा कुछ नहीं होता, हम यही मानते हैं। ओ धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। किसी को और कुछ कहना है या फिर समापन कर लेंगे? स्वामी जी इसमें थोड़ा सा छोड़ना चाहता हूँ। जी बोलिए। ईश्वर चूंकि सर्व सृष्टि का सृष्टा है और एक ऊर्जा पिंड है, तो ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती, तो इसे थकावट का वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं। थकावट तो हम लोगों को होती है जो जीवधारी हैं, जो पंचभूत से बने हुए हैं, या हम सारे लोग जो हैं नश्वर तत्वों के सम्मिश्रण से निर्मित हैं, इसलिए हमको थकावट हो, चूँकि हम सब क्षरणशील हैं, विनाशवान। जी हरिश्चंद्र जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी किसी और का कोई प्रश्न है, कुछ कहना हो तो बताएं। और कोमल जी देखिए कोई प्रश्न ना आए तो समापन कर सकते हैं। जी। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम्। ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम्। ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते ओम खं ब्रह्म। कल सायंकाल 7:30 बजे इस कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति ओम नमस्ते ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। ओम नमस्ते सभी साथियों को। शुभ रात्रि।